पर लुधियाना में चेन्नई स्टाइल का डोसा खिलाने जा रहा हूँ। और ये जो मुझे पता है लुधियाना से तो बिलोंग करते नहीं है, बहुत पहले लुधियाना गा गए थे, बट ये अभी भी मैंने जो इनकी बातें सुनी हैं आपस में एक दूसरे से तमिल में बात करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या इनकी स्टोरी है, कैसा इनका डोसा है, कैसा इनका सब साउथ इंडियन फूड आपको दिखाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। चलो आओ चलते हैं। के नाम से इनकी शॉप है, तो चलो आओ इनसे बात करते हैं। अंकल जी नाम क्या है आपका? नाम पांडे। पांडे आप इनका नाम है, आपके नाम से शॉप कर लीजिए। हाँ जी। और कितनी पुरानी शॉप है? 22 साल। 22 साल। आप लुधियाना से बिलोंग करते हो? हाँ जी। और मतलब मुझे जो पता चला आप चेन्नई के रहते हैं? आप साउथ इंडियन है? साउथ इंडियन हो? हाँ जी साउथ इंडियन हूँ। मतलब क्या आप यहाँ कब आए थे? मैं 96 में आया। 96 में यहाँ पे आए? और यहाँ कैसे आना हुआ कुछ बताओगे आप? बस उसके साथ उससे चाचा के साथ आना काम सीखा था। अच्छा। चाचा ने लगा कर दिए, चाचा का नाम से चक्र चाचा ने ही लगवा के लगा कर दिए। तो मतलब मेरे आगे इस टाइम बिना साउथ इंडियन हेवन पड़ा भाई, वरुण भाई मुंह में पानी तो आ रहा होगा देख के। ये जो हमने चीज़ लगवाई है ये वेज उत्पम है और ये मसाला उत्पम है, ये इडली है इडली में सांभर, और ये बटर डोसा है, और ये सिंपल मसाला डोसा, और ये है दही वड़ा भाई। दही दही देख कितनी शानदार है, मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग मसाला डोसा से। भाई फीलिंग चेक कर, आलू प्याज टमाटर और ये इनका सांभर। प्रॉपर बटरी टेस्ट है, सांभर के टेस्ट में थोड़ा खट्टा थोड़ा स्पाइसी है। अब इनकी नानी की टक्की में टेस्ट करते हैं। जो मैंने सुना है अगर डोसे वाला साउथ इंडियन हो ना और उसका डोसा खाओ तो उसकी चटनी सबसे बेस्ट होती है। प्रॉपर नारियल का फ्लेवर है और इनके लहसुन अदरक की चटनी है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी टेस्टिंग अब हो गई, अब कहते हैं इनका मसाला उत्पम। मैं जो अपनी लाइफ की एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने आज तक उत्पम खाए नहीं, पहली बार लाइफ में उत्पम खाने जा रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई हाउ इज इट। ये एक मसाला है, इन्होंने ऊपर जो मसाला आपको दिख रहा होगा इन्होंने खुद का मसाला तैयार किया हुआ, सारा चाट मसाला वगैरह मिक्स करके इन्होंने घर पे सारा मसाला बनाया। सो लेट्स ईट। नया डिश है मेरे लिए, मैंने आज तक ये खाया ही नहीं है। बहुत शानदार है, मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा है और जो ऊपर पनीर डाला हुआ ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। Like, मुझे भी अभी हो रहा है, मैंने आज तक के खाया, बहुत टेस्टी है। ये इनका वड़ा, बेसिकली इसको सांभर में डाल के खाते हैं। सो लेट्स ट्राई। वेल कुक्ड है, अंदर से बहुत अच्छा है। इसको हम डुबा देते हैं सांभर में। सांभर ऐसी चीज़ है, चाहे आप चावल में डाल लो, डोसे के साथ खाओ, बड़े के साथ खाओ या ऐसे ही खाओ, उसका टेस्ट नहीं कभी चेंज होता। हर चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं। खाने में बहुत अच्छे हैं, क्रंची है, बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका भी। चलो भाई आगे बहुत कुछ है अभी खाने के लिए। ये है भाई दही वड़ा और इसके ऊपर जो ये है मसाला बूंदी, जिसको हम पंजाबी में पकौड़ियाँ बोलते हैं, और
ये देखो भाई दही कितनी गाढ़ी है इनकी। ये ऊपर इन्होंने डाले प्याज है, टमाटर है, धनिया है, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। तो चलो आओ इसे भी खाते हैं। अब तक की सबसे बेस्ट चीज़ थी, क्यों? क्योंकि मीठा मेरा फेवरेट है, दही स्वीट है, बूंदी का फ्लेवर बहुत अच्छा है, बड़ा दही के साथ मिक्स होकर ना बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इनकी इडली विद सांभर, और इसका भी सेम ही प्रोसेस है लाइक बड़ा, इसको भी ये राइस इडली है जैसा इन्होंने बताया था, बहुत अच्छी तरह कुक्ड है, स्टीम्ड है, बहुत सॉफ्ट है। बहुत ही सॉफ्ट है यार, मुँह में डालते घुल गई, नहीं खाने वाला हूँ। खाना पीना तो बहुत अच्छा था यार, पेट फुल हो गया, फटने को आ गया। और मैं आपको इनका एड्रेस बता देता हूँ, ये PAU गेट नंबर 3 वाली रोड है, उस साइड PAU गेट नंबर 3 है, उस अगर आप रोज गार्डन वाली साइड से आ रहे हो तो वो PAU गेट नंबर 3 वाली साइड जब आप मुड़ोगे तो लेफ्ट साइड पर पांडे डोसा के नाम से ये शॉप है। अंकल पिछले 23-24 साल से डोसा बना रहे हैं, साउथ इंडियन है डोसा बना रहे हैं, प्रॉपर साउथ इंडियन फ्लेवर्ड है और बहुत ही अच्छा है खाने में। अंकल का नेचर ही बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, और सबसे बड़ी बात जो इनका टेस्ट है ना, इंडियन टेस्ट, अपना मतलब पंजाबी टेस्ट जो है ना वो नहीं है, प्रॉपर साउथ इंडियन टेस्ट है, बहुत अच्छा है खाने में। जो इडली की इडली थी वो बहुत सॉफ्ट थी, और यहाँ पर कभी भी आओ और डोसा खाने का मन करे ना तो जाना इनके पास आ जाओ। इनके पास डोसा की एक ही वैरायटी, इडली, उत्पम, बड़ा, दही बड़ा, बहुत कुछ है, आप लोग पेट भर कर जाओगे और अंकल का प्यार भी साथ में मिल जाता है। चलो अगले शूट में आपको मिलते हैं।